निर्यात की खेप पर रोक के बावजूद भारत के सुगंधित बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में यानी अप्रैल से अक्टूबर में 7.37% बढ़कर 126,97,000 टन हो गया। उद्योग जगत के आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह निर्यात 118,25,000 टन रहा था। इंडस्ट्री के मुताबिक भारतीय चावल की मांग बनी रहने से ये ग्रोथ उस वक्त भी देखने को मिल रही है जबकि देश में चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर अंकुश था। चावल के उत्पादन में गिरावट को देखते हुए सरकार ने मूल्य को कंट्रोल करने के लिए चावल की कुछ किस्मों को देश से बाहर भेजने जाने पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं ऑल इंडिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया का कहना है कि चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर अंकुश के बावजूद कुल निर्यात का स्तर अब तक मजबूत बना हुआ है। कुल निर्यात में बासमती चावल का निर्यात 2022-23 की अप्रैल अक्टूबर अवधि के दौरान बढ़कर 24,97,000 टन हो गया है जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 21,59,000 टन था। वहीं गैर बासमती चावल का निर्यात पहले के 96,66,000 टन से बढ़कर इस बार 102 लाख टन हो गया है। बासमती चावल को मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब के पारंपरिक बाजारों में भेजा गया जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात बड़े पैमाने पर अफ्रीकी देशों को किया जाता है। आपको बता दें कि सितंबर में चावल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और गैर बासमती चावल पर 20% सीमा शुल्क भी लगाया था। सीमा शुल्क लगाए जाने से गैर बासमती चावल का निर्यात प्रभावित नहीं हुआ है, निर्यात का स्तर मजबूत रहा। सरकार ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके। कृषि मंत्रालय के पहले अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 यानी जुलाई से जून के खरीफ सत्र में धान का उत्पादन घटकर 10,49,09,000 टन रह गया जो पिछले खरीफ सत्र में 11,17,06,000 टन का हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।